ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ओम शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्र बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम भद्रं कर्णे विश्रुणुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभीर्यजत्राः स्थिरैरंगैः सुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 54-55 ताभ्यां निर्विचिकित्सेर्थे चेतसस्थापितस्य यत एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयैकगोचरम् निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते एकत्वानत्व
एकतानत्वम् एतद्हि निदिध्यासनमुच्यते। इसको ही हम निदिध्यासन कहते हैं। किसको? एकतानत्वम्। निदिध्यासन के लिए गीता के छठे अध्याय में भगवान विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। कल हमने देखा ध्यान में तीन चीज है, ध्याता है, ध्यान की क्रिया है और ध्येय है निर्गुण ब्रह्म आत्म तत्व। तो ध्याता कैसा होना चाहिए? ध्याता का मन कैसा होना चाहिए? तो कल हमने देखा कि मन प्रसन्न होना चाहिए। जब तक आपका मन प्रसन्न नहीं है ये निदिध्यासन कर नहीं सकते। और मन की प्रसन्नता ईश्वर की शरणागति से ही होती है। गुरु की शरणागति, ईश्वर की शरणागति से हमारे मन में प्रसन्नता रहती है, किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं रहता है। और इसलिए भगवत गीता में भगवान बहुत सुंदर समझाते हैं कि ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व से हमारी बुद्धि ऊपर उठनी चाहिए। दूसरे अध्याय में भगवान बहुत सुंदर एक ही श्लोक में ये वेदांत के जो अधिकारी हैं उनका मन कैसा होना चाहिए। त्रैगुण्य विषया वेदाः नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये वेद जो चर्चा करते हैं वो त्रिगुण की, सत्व रज तम। हमारी बुद्धि इसी में ही चलती रहती है। आजकल आप योग वाले देखेंगे, योग वाले हैं, भक्ति वाले हैं, उनकी चर्चा यही रहती है। हमारा सात्विक आहार है, हमारे सात्विक तपश्चर्या है, हमारे सात्विक कर्म है, ये सत्व के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन भगवान दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं? त्रैगुण्य विषया वेदाः नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, आप नैस्त्रैगुण्य बने। तीन गुण जो है, हमारा मन ये तीन गुणों के अंदर खटपट में नहीं पड़ना चाहिए। आगे हम चर्चा करके, हम चर्चा किया है आगे माया तत्व की, जब चर्चा हुई कि सत्व भी आवश्यक है और तामस तमस भी आवश्यक है। तमोगुण जो है वही हमें निद्रा देता है। तमोगुण की भी आवश्यकता है हमें, आप समझो। हमारे जीवन में हम 7-8 घंटा जो आराम करते हैं वो आराम के किसके कारण है? वो निद्रा के कारण है। वल्लभाचार्य जी भक्ति संप्रदाय में, वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग में कहते थे कि भगवान को ये प्रार्थना करो कि भगवान मुझे अच्छी तरह निद्रा आए, मेरी निद्रा अच्छी हो। क्यों? क्योंकि अगर निद्रा अच्छी है तो सुबह में उठ के मेरा मन प्रसन्न होगा। तो तमोगुण भी आवश्यक है, लेकिन उनका एक अवस्था है, उनका एक स्थान है, उनका एक समय है। पूज्य स्वामी जी कहते थे रात को नींद आनी चाहिए, जब हम वेदांत सुनते हैं तब नहीं, जब जप करते हैं तब नींद नहीं आनी चाहिए, आप समझो। अयोग्य है जप करते समय अगर हमारा मन जो नींद में आ जाता है, निद्रा दिन होता है, तो वो गलत है। रात को हमको आराम करना है, निद्रा आवश्यक है। तो कसमय की निद्रा हम टीका करते हैं, अच्छे समय में तो हमें लेना ही है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, ये तीन गुणों से आप ऊपर उठ जाओ। ये तीन गुण जो है हमारे मन को, हमारे आत्मा तत्व का चिंतन हमें करना है, हमें तीन गुण की चर्चा नहीं करनी है, आप समझ। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थः, निर्द्वंद्व है। हम देख के गए 5 प्रकार के ही द्वंद्व है,
हमारे जीवन में, हमारा संपूर्ण जीवन जो है, हमारा संपूर्ण जो व्यवहार है, वो व्यवहार में ये पांच प्रकार के द्वंद्व है। ये शरीर के हिसाब से हम देखते हैं शीत उष्ण, मन के हिसाब से देखते हैं तो सुख और दुख है, बुद्धि से मान और अपमान है, बाह्य जगत में हम देखेंगे तो दो प्रकार के द्वंद्व है। हम जो क्रिया कर रहे हैं उसमें लाभ और अलाभ, ये दो द्वंद्व है। और अन्य व्यक्ति से हम देखेंगे, अब समझो, तो लाभ है, गैर लाभ है, अलाभ है, तो ये द्वंद्व जो है उससे निर्द्वंद्व है। आगे भगवान बहुत बार कहते रहे हैं, ये अनेक बार भगवान ये द्वंद्व से ऊपर उठने की बात करते हैं। जब तक हमारा मन ये द्वंद्व में चलता रहता है तो ये द्वंद्व से ही हमारा मन व्यस्त रहता है, हमारा मन मुक्त नहीं है। अब समझो, सीधी बात यह है कि अगर आपको आत्म तत्व का चिंतन करना है, और कल जो हमने देखा कि ध्येय में ही हमारा मन लग गया है, न तो ध्याता की चिंतन है, न ध्यान की क्रिया का चिंतन है, तो हमारा मन पूर्णतः ध्येय में समर्पित जब है तो आसपास के जो द्वंद्व है वो द्वंद्व से हमारा कोई संबंध नहीं है। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ है, निर्योग क्षेमवान आत्मवान भव। अब देखो, निर्योग क्षेम, अप्राप्त से प्राप्ति ही योग, प्राप्त से रक्षण क्षेम। तो ये द्वंद्व से जब तक हम ऊपर नहीं उठते हैं, हमारे आत्मचिंतन नहीं होगा। ये गुण से निर्गुण त्रिगुण्य वेद जो है, जो वेद जो चर्चा कर रहे हैं वो तीन गुणों की है, लेकिन तीन गुण जो है वो तीन गुणों से निर्गुण नैस्त्रिगुण्यो भवार्जुन। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि तीन गुण जो है और ये जो द्वंद्व है सबसे हम ऊपर उठ जाए। इसलिए भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं कि ये जो है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते ये शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमाह अपायिनाह तांतिदिक्षस्व भारत। द्वंद्व है लेकिन वो कैसे है, आने जाने वाले हैं, आवागमन करने वाले हैं, उनमें हमारे मन को लगाने की आवश्यकता नहीं है। यम ही न व्यथयन्त्येते, जिसका मन ये द्वंद्व से व्यथित नहीं होता है वही ये आत्म तत्व के चिंतन के लिए अधिकारी बनता है। यही न व्यथयन्त्येते, आप समझो, सोमरु तत्व कल्पते, कल्पते अधिकारी, योग्यता उसको प्राप्त होती है। और इसलिए ये आत्म तत्व का चिंतन अगर करना है, ध्येय में हमारा चित्त समर्पित करना है, तो ये दो थे तीन गुण जो है उससे ऊपर उठना पड़ेगा, और ये द्वंद्व है, द्वंद्व से ही ऊपर उठना पड़ेगा। लेकिन कल जो हमने बताया कि ऊपर उठना मानी वो छूट जाना चाहिए, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ने की बात करेंगे तो मन से आप पकड़ के रखेंगे। अगर आप कहेंगे मुझे बंदर का चिंतन नहीं करना है तो बंदर का चिंतन नहीं करना है, बंदर का चिंतन नहीं करना है, तो मन में तो बंदर रहेगा ना। और इसीलिए ये अगले श्लोक में विद्यारण्य मुनि स्वयं ही हमें समझाते हैं, जो कल हमने कहा ना वही बात विद्यारण्य मुनि ये अगले श्लोक में कहते हैं। ध्यातृ ध्याने परित्यज्य, अब ध्यातृ ध्याता और ध्यान की क्रिया का भी त्याग हो जाता है। त्याग होने के बाद परित्यज्य क्रमाध्येय एक गोचरम, एकमात्र ध्येय में ही हमारा चित्त प्रवृत्त हो रहा है,
लेकिन वो कैसे प्रवृत्त होता है, तो दृष्टांत देते हैं निवात दीपवत। निवात दीप, वात माने पवन, वायु, निवात माने जहां पर ये वायु नहीं, माने कि ये पवन नहीं है। दीपवत, ये दीप की जो ज्योत होती है, अगर पवन होता है तो वो ज्योत क्या होती है, हिलती है, फ्लिकरिंग कहते हैं उसको। लेकिन अगर कोई वायु नहीं, प्रवाह नहीं है, पवन नहीं है, तो वो स्थिर रहती है। अब देखो ये दृष्टांत बहुत सुंदर है, आप समझना, भगवान भी यही बात करते हैं गीता में। निवात दीपवत, छठे अध्याय में भगवान यही बात करते हैं कि अर्जुन आपका मन जो है वो दीप के समान, निवात दीप के समान ही हमारा मन स्थिर होना चाहिए। यथा दीप निवात निवातस्थ नेंगते सो उपमा स्मृता, ये हमारे मन के लिए उपमा है। जिस प्रकार से वायु रहित माने की जहां पवन का, वायु का प्रवाह नहीं है, पवन नहीं है, उस स्थान पर जो दीप की ज्योत है, यथा दीप निवातस्थ न इंगते, वो कंपन उसमें होता नहीं है। योगिनः यत चित्तस्य युञ्जते योगमात्मनः, उसी प्रकार से योगी का जो चित्त है वो आत्म तत्व में एकाग्र होता है। अब देखो मैं बार बार ये बात करती रहती हूं कि आपकी मन की वृत्ति को बंद नहीं करना है, इसलिए ये ज्योत जो है ना, आप देखो ज्योत आपको स्थिर दिखती है लेकिन वो स्थिर नहीं है, आप समझना। ज्योत हमारी स्थिर नहीं है, क्यों? क्योंकि अंदर से जो ईंधन है, अगर मोमबत्ती है या घी है, तेल है, तो वो रुई जो है, वो डोरी जो है, धागा जो है, वो धागा में वो ईंधन आ रहा है, वो ईंधन जल रहा है, प्रकाश हो रहा है, माने कि वो प्रवाह है, वो ईंधन का प्रवाह वहां पर हो रहा है, तो ज्योत वही की वही नहीं है, आप समझो। ज्योत भी बदलती रहती है लेकिन वो स्थिर है। उसी प्रकार से हमारा मन स्थिर है लेकिन वृत्ति का प्रवाह है। जिस प्रकार से ज्योत में एक प्रवाह होता है, उसी प्रकार से हमारी वृत्ति का जो प्रवाह है, ध्येय एक गोचरम, ध्येय एक गोचरम, एक ध्येय के और हमारी वृत्ति प्रवाहित हो रही है, वो स्थिर है लेकिन प्रवाह रहित नहीं है। वृत्ति को शांत नहीं करना है, वृत्ति को ध्येय में प्रवाहित करना है। और इसलिए भगवान आगे कहते हैं यतः यतः निश्चरति, अगर कोई कारण है जिसके कारण हमारा मन वो ध्येय से अलग होता है, आप समझो। देखो ये रास लीला जो है ना, वो भी यही है, निदिध्यासन है। ये गोपी जब तक उनकी दृष्टि कृष्ण पर थी, वो रासलीला होती थी, जैसे ही उनकी दृष्टि कृष्ण से अपने आप पर आ गई, मैं कितनी अनुग्रहित हूं, कितनी भाग्यशाली हूं कि श्री कृष्ण मेरे साथ आज पूर्णिमा के दिन रासलीला कर रहे हैं, तो ये ध्येय जो कृष्ण है वो ध्येय से उनकी चित्त जो है वो ध्याता पर आ गया, मैं पर आ गया। जैसे ही ध्येय छूट गया, ध्याता पर मन आया, श्री कृष्ण अदृश्य हो गए, अब समझो। इसलिए ये 55 वर्ष में कहते हैं विद्यार्थी में ध्येय एक गोचर, और अगर हो रहा है यतः यतः निश्चरति, जिस जिस कारण से अगर आपका मन दूसरे विषय में जा रहा है, ध्येय से अलग विषय में अगर वो मन जा रहा है, तो क्या करना है, ततः ततः नियम्य एतत,
वो विषय से हमारे मन को नियमन करके वापस लाना है। आत्मनि एवं वशम नयेत, वो आत्म तत्व में उसको प्रवाहित करना है। देखो ये सब मानस है, ध्यान कहते हैं, निधिध्यासन कहते हैं, मानस पूजा कहते हैं, ये सब मानस कर्म है। उसमें आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपके हाथ कोई प्रवृत्त नहीं है, पूर्णतः ये मानसिक क्रिया है। और इसलिए ये मन अगर कहीं कोई विषय में जा रहा है तो भगवान कहते हैं जिस जिस विषय मनस चंचलम अस्थिरम, मन चंचल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, अस्थिर स्थिर नहीं रहता है, तो मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एवं वशम नयेत्, आत्म संस्तम्भन कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। लेकिन ये एक दिन की बात है नहीं। अब देख शास्त्र में तीन दृष्टांत देते हैं, अब ठीक से समझना आज का प्रवचन। शास्त्र में तीन प्रकार के दृष्टांत है, अब समझो। शनैहि शनैहि पर्वत लंघन, बहुत सारे प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें हम कभी भी शीघ्रता नहीं ला सकते। भगवान गीता में यही कहते हैं शनैहि शनैहि उपरमेद, धीरे धीरे आपके मन को बुद्ध्या द्रुति गृहीतया, अगर आपको पर्वत चढ़ना है आप दौड़ के नहीं कर सकते। शनैहि शनैहि पर्वत लंघनम, शनैहि शनैहि, आप समझो। अगर आपको ये कपड़ा बुनना है तो ये कपड़े बुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक धागा लेना पड़ेगा, एक एक धागा लेके ही आप कर सकते हैं। वो धागा लेने के लिए अगर मशीन बना दिया तो उसके मशीन जल्दी से काम करेगा, लेकिन होगा तो एक ही। अगर आप पर्वत चढ़ रहे हैं तो एक समय पर एक ही कदम आपको लेना है, आप समझो। उसी प्रकार ये मन जो है, हमारे मन से हमको काम लेना है। मनसा एव आप्तव्यम्, आत्म तत्व का चिंतन तो मन से ही होगा, आत्म चिंतन जो करना है वो आपको मन से ही करना है। मनसा एव, बृहदारण्यक उपनिषद में, कठोर उपनिषद में कहते हैं मनसा एव, मन से ही आत्म तत्व की प्राप्ति है, मन ही हमारा साधन है जिसके द्वारा हम ये प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा मन कैसा होना चाहिए, और इसलिए भगवान कहते हैं शनैहि शनैहि उपरम, ये सब पर से ऊपर उठना है हमें, लेकिन धीरे धीरे ऊपर उठना, अचानक नहीं करना है। अब देखो अगर हमारे मन की वृत्ति संसार की ओर प्रवाहित हो रही है और अचानक हम करेंगे तो क्या होगा, आपकी गाड़ी जो है 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और आपको पता चला कि आप आगे निकल गए हैं, तो क्या आप तुरंत ब्रेक मारेंगे? नहीं, पहले गाड़ी धीरे करनी है फिर गाड़ी बंद करना है। आप समझ, अचानक से कोई ब्रेक नहीं मार सकता। उसी प्रकार से हमारे मन की वृत्ति संसार की ओर प्रवाहित हो रही है, तो यह चर्चा आगे हम करके गए कि वैराग्य में मन अभी भी हमारा संसार के अभिमुख है, जिससे हम वैराग्य कर रहे हैं उसकी ओर हमारा मन है। हम संसार अभिमुख है, जो वैराग्य है वो संसार अभिमुखी वैराग्य है, और उसी से क्या करना है, शनैहि शनैहि ऊपर में, धीरे धीरे हमारे मन को उसे उपरत करना है। बुद्धिया, बुद्धिया माने बुद्धिपूर्वक, निश्चय पूर्वक, वो निश्चय आपका है। मन की भी आवश्यकता है, बुद्धि की भी आवश्यकता है, और इसलिए भगवान कहते हैं बुद्ध्या द्रुति गृहीतया, द्रुति गृहित, द्रुति से गृहित हुई बुद्धि द्वारा हम
हमारे मन को धीरे धीरे ये सब जो सांसारिक प्रवृत्ति है या तो ध्याता है वो ध्याता से हमारे मन को हटाना पड़ेगा। और एक बार मन हट गया फिर क्या करना है, आत्म समस्तम मन कृत्व न किंचित अपि चिंते। एक बार आत्मा में मन को स्थित कर दिया फिर और किसी के भी चिंतन नहीं है। वही है 55 वर्ष में भगवान विद्यारण्य मुनि कह रहे हैं ध्येय एक गोचरम। उसी में हमारा मन प्रवाहित हो रहा है, मैं पूर्ण चैतन्य हूं। एक बार हमारे मन में आया मैं पूर्ण चैतन्य हूं, तो कैसे मैं पूर्ण चैतन्य हूं अब चिंतन करो। लेकिन वो करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, संकल्प का प्रभवान कामान। आपके मन में जितनी भी इच्छा है आप समझना, अगर आप समझ रहे हैं कि बाहर के जगत के कारण आप आत्मा चिंतन नहीं कर सकते, बाह्य जगत के कारण आप तत्व चिंतन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप एकांत में बैठो और आपको पता चलेगा कि बाहर का जितना विक्षेप है उससे भी अनेक गुना जो विक्षेप है वो हमारे मन में हुआ है। हमारे मन में अनेक प्रकार के संकल्प है, हमारे मन में अनेक प्रकार का दुख है, अनेक प्रकार का असंतोष हमारे मन में है। वी आर नॉट फाइटिंग विद द वर्ल्ड, अंडरस्टैंड। हम ये जगत से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने आप से लड़ रहे हैं। जब तक आप अपने आप से लड़ते रहते हैं आत्मचिंतन नहीं होगा। और इसलिए भगवान कहते हैं उद्रेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादय। आत्मैव हि आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अब देखो ये भगवान का वाक्य, आत्मा माने आप अपने आप ही अपने आप के शत्रु है, आप ही अपने आप के मित्र है, बंधु है। बंधु माने जो अनुकूल है, रिपु माने जो प्रतिकूल है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता बाहर नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता अंदर है। और ये सब जो प्रतिकूलता है वो कहां से आती है, संकल्प प्रभवान कामान। आप समझो हमारे संकल्प से ही ये सब उत्पन्न होता है। आगे हमें सब देख के गए कि आपका जो संकल्प है वही आपको बहिर्मुख करता है, अन्य कोई वस्तु आपको बहिर्मुख नहीं कर सकती है। आपने अगर सुख बुद्धि कर दिया, आपने अगर प्रतिकूल बुद्धि कर दिया तो आपका मन बाहर जाने वाला है ही। और इसलिए भगवान को कहना पड़ता है नैष्त्रय गुण्यो भवार्थ निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ। अब देखो एक एक शब्द देखो, निर्द्वंद्व किसी भी द्वंद्व में हमारी बुद्धि अटकनी नहीं चाहिए। छोड़ दो संकल्प प्रभवान कामान संगम त्यक्त्वा, एक किसी भी प्रकार से कोई जगह पर न कोई द्वंद्व है न कोई गुण है, तभी आप आत्मचिंतन कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान सर्वान त्यक्त अशेषतः। आप देखो अशेषतः माने क्या है, न तो अनुकूल है न तो प्रतिकूल है। द्वंद्व है, अनुकूल द्वंद्व भी है प्रतिकूल भी है, सुख भी है दुख भी है, लाभ भी है अलाभ भी है, मान भी है अपमान भी है, शीत भी है उष्ण भी है। किसी में भी हमारा मन वहां अटकना नहीं चाहिए। अशेषतः त्यक्त्वा पूर्णतः ये सबका त्याग होना चाहिए, तब आपका मन प्रसन्न रहेगा। मन की प्रसन्नता के बिना आत्मचिंतन संभव नहीं है। इसलिए मैं बार बार मैं प्रवचन में कहती हूं कि अगर आपको सिद्धि में चाहिए तो यही सिद्धि है कि किसी भी अवस्था में आपका मन प्रसन्न है कि नहीं। हम जब आश्रम में पढ़ते थे
प्रस्थान त्रयी का अभ्यास कर रहे थे, तो जब हम पाणिनी व्याकरण पढ़ते थे तो हमारे स्वामी जी सिद्ध बुद्धानंद जी हमको कहते थे कि ये पाणिनी व्याकरण आपके मन में ऐसे बैठना चाहिए कि रात को 2 बजे भी अगर कोई उठा के आपको पूछे तो आपको उत्तर देना चाहिए। स्वामी जी उसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे, रसगुल्ला। अब देखो जब रसगुल्ला हम बनाते हैं तो वो बिल्कुल सूखे होते हैं, वो पनीर में से जब बनाते हैं बिल्कुल खोया जो होता है खोया से बनाते हैं, वो बिल्कुल कैसे होते हैं, सूखे होते हैं। एक बार वो उसको खान की चाशनी में डाल देते हैं, शक्कर की चाशनी में डाल देते हैं, वो शक्कर की जो चाशनी है वो अंदर चली जाती है, वो शोषित कर लेते हैं। और एक बार शोषित हो गई फिर क्या है, स्वामी जी कहते हैं वो हमारा मन वो रसगुल्ला जैसा होना चाहिए। क्यों? रसगुल्ला को ऊपर से दबाते हैं ना तभी वो मीठा ही निकलता है, नीचे से दबाएंगे तो भी मीठा ही निकलेगा, बाजू से दबाएंगे तभी मीठा ही निकलेगा। उसी प्रकार से हमारे मन में अगर कोई प्रतिकूलता भी आई अनुकूलता भी आई जो निकलेगा वो ईश्वर ही होना चाहिए, आत्म तत्व ही होना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं। सर्वान अशेष तत्व। ये सब प्रकार से प्रवृत्ति करनी पड़ेगी और इसलिए शनै ही पर्वत लंघन, धीरे धीरे शनै ही मुक्ति ही शनै ही विद्या। अब देखो विद्या प्राप्त करना है वो भी धीरे धीरे ही होगा। अगर मुझे गणित पढ़ना है तो गणित पढ़ने के लिए क्या करना पड़े, 1, 2, 3 से ही शुरू करना पड़े, अचानक से मुझे कुछ आने जाए। भाषा सीखना है तो वो भी क्या करना पड़ेगा, 12 अक्षरी से शुरू करना पड़ेगा, क का की कु शुरू करना पड़ेगा। उसी पर शनै मुक्ति ही शनै विद्या, ये सब जो मुक्ति भी क्या शनै ही, धीरे धीरे, एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है, दीर्घ काल पर्यंत ये सब करना है। एक समय पर एक आसन पर हमको करना पड़ेगा और इसीलिए ये भगवान की भक्ति जप तप ये सब आवश्यक है। अगर हमारे मन को प्रसन्न करना है तो 3 प्रकार के कर्म आवश्यक है, ठीक से समझना। यज्ञ दान तप कर्म पावनानी मनीषी, इस जगत में 3 प्रकार के कर्म है जो हमारे मन को पवित्र कर सकते हैं। यज्ञ, यज्ञ मानी सर्व के कल्याण के लिए जो हम कर्म करते हैं, जगत कल्याण के लिए जो हमारे कर्म है वो यज्ञ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, दान, दान मानी कि हमारे पास जो भी संपत्ति है, समय भी संपत्ति है, धन भी संपत्ति है, विद्या भी संपत्ति है, ठीक से समझना, ये पंचदशी में आगे आएगा सब। दान, वस्त्र दान करो, अन्न दान करो, विद्या दान करो, धन दान करो, समय, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ करना नहीं है मैं आपको बताती हूं आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अनाथ आश्रम में जाइए, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों के साथ खेलो, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आलसी है हम लोग, बातों करने में हम बहुत बड़े हैं। दान करना है, समय का दान आप दे दो, हर रोज 2 घंटा आप अनाथ आश्रम में जाओ, 1 घंटा हॉस्पिटल में जाओ। अगर किसी को, बहुत सारे भारत देश में बहुत सारे लोग अनपढ़ अभी भी हैं, डॉक्टर के यहां जाते हैं लेकिन दवा कैसे लेना है, वो दवा क्या है, कुछ पता नहीं है उन लोगों को, और डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है
कि सबको समझाए। मेडिकल शॉप में भी वो बेचारे के पास समय नहीं है, आप जाइए उन लोगों के लिए दवा लेना है, उनको मदद करो। एक भाई थे वो थोड़ा डिप्रेशन में रहते थे, मेरे पास आए, स्वामी जी कुछ समझ में नहीं आता, मजा नहीं आ रही है। मैंने कहा एक काम करो, हफ्ते में 2-3 बार आप केले हैं, बिस्किट है, कुछ भी कोई फल आप लो, और हॉस्पिटल में जाओ और जो जनरल वार्ड्स जो है ना, वो जनरल वार्ड में जाइए, प्रसूति गृह में जाइए, जो वहां गर्भवती बैठी है, प्रसूति हुई है जिसकी, उनको या 2 केले दे दो, 2 बिस्किट दे दो, 2 पैकेट दे दो बिस्किट, जाओ करो, मतलब उसको दवाई में समझ में नहीं आ रही है, आप जाके समझाओ उनको, कुछ करो, ये दान है, आप समझो। बैठे रहने से पवित्रता नहीं आती है। भगवान कहते हैं ये 3 प्रकार के कर्म है जो हमारे मन को पवित्र करती है। अब जाइए हॉस्पिटल में, अनाथ आश्रम में जाइए, गौशाला में जाइए, करो गाय की सेवा। 33 देवताओं का वास है गाय में, अब गाय की सेवा करो, बच्चों की सेवा, अनाथ आश्रम में जाओ, बच्चों को कुछ पढ़ाओ। अनेक ऐसे स्थान है जहां हम जाके सेवा कर सकते हैं, दान है ये, समझो, धन मात्र दान नहीं है, भू दान है, धन दान है, अन्न दान है, वस्त्र दान है, विद्या दान है। शास्त्र में कहते हैं अन्नदानम महादानम। अब देखो ये दान की जो श्रेष्ठता है कैसे पुरवार करेंगे आप कितना दान देते हैं वो श्रेष्ठता नहीं है, आपके एक के पीछे कितने शून्य है वो आपकी श्रेष्ठता नहीं है, आप ठीक से समझना। जो लेने वाला है उनके मन में आप कितना संतोष, कितनी तृप्ति प्रकट कर सकते हैं, उतना आपका दान श्रेष्ठ होता है। अन्न दान श्रेष्ठ क्यों है? आप जब किसी को अन्न देते हैं, भोजन देते हैं, तो भोजन करने के बाद उनको तृप्ति का अनुभव होता है। तृप्ति मानी क्या है? अलम बुद्धि, बस हो गया, बहुत खाया, बहुत आनंद आया, ये तृप्ति है, आप समझ। और इसलिए कहते हैं ये अन्न दान में तृप्ति है, वो व्यक्ति को बोलना पड़ेगा अब ज्यादा नहीं, अधिक नहीं चाहिए, पानी वो लेने का मना कर रहा है, देखो वो तृप्ति हो गई उनकी। अन्नदान महादान, ततः परम विद्यादानम, उससे भी श्रेष्ठ विद्यादान है। इसलिए मैं कहती हूं आप अनाथ आश्रम में जाइए, लोगों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, क्यों? अन्न न क्षणिका तृप्ति ही, अन्न से तृप्ति मिलती है, वो व्यक्ति को बस कहना पड़ता है, लेकिन वो तृप्ति कैसी है? क्षणिका तृप्ति ही, 2 घंटे की तृप्ति है, 2 घंटे के बाद वो वापस चाहिए। अन्नदानम महादानम ततः परम विद्यादानम, अन्न न क्षणिका तृप्ति ही, विद्या तो नित्य तृप्ति ही, विद्या से जो तृप्ति मिलती है ना, विद्या आनंद उसको कहते हैं। ये जगत में 4 प्रकार के आनंद है, एक विषय आनंद है, एक अभ्यास का आनंद है। विषय में आनंद है, उससे भी सूक्ष्म अभ्यास का आनंद है। कोई चीज आप अगर हर रोज करते हो, ये जो मल्ल लोग होते हैं, पहलवान लोग, एक दो ये जिम में जाने वाले होते, ये चलने को जाते हैं, चलते हैं, ये सब जो है ये अभ्यास है, हर रोज करना है। अब एक दिन नहीं करेंगे तो हमको एक
एक ऐसा लगेगा कुछ छूट गया, खालीपन लगेगा, ये अभ्यास का आनंद है। अब पाठ करो, हर रोज पाठ करो, ये पाठ का भी आनंद है, अभ्यास का आनंद है। तीसरा है योगानंद, यम है, नियम है, आसन है, प्राण, ये सब में आनंद मिलता है, योगानंद है। ध्यान में भी एक आनंद है, क्यों? क्योंकि ये शांत वृत्ति का आनंद है। आप ठीक से समझना, आगे हम सब चर्चा करेंगे ये सब। तो ध्यान करते हैं तब हमारा मन शांत होता है, तो ये शांत वृत्ति का भी एक आनंद है, उसको योगानंद कहते हैं। और ये संसार के अंतर्गत जो चौथा आनंद है उसको विद्यानंद कहते हैं। विद्या में आनंद है, कला में आनंद है, नृत्य संगीत ये सब आनंद है। ये जो पेंटिंग करने वाले हो, चित्रकार जो होते हैं, ये चित्रकार जब चित्र बना उनमें आनंद है, कला का आनंद है ये। ये विद्यानंद है, जगत के अंतर्गत श्रेष्ठ आनंद विद्यानंद का, संसार के अंतर्गत जो है उसमें श्रेष्ठ आनंद विद्या का आनंद है। और इसलिए कहते हैं कि अन्नदान श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठ उससे भी श्रेष्ठ विद्यानंद है। क्यों? विद्या तो नित्य तृप्ति ही, विद्या से जो तृप्ति प्राप्त होती है वो नित्य होती है, अन्न से जो प्राप्त होती है वो क्षणिक होती है। और इसीलिए आपका जो दान है वो दान कितना श्रेष्ठ है, वो जो दान लेने वाला है उनके मन में कितनी तृप्ति होती है वो निश्चय करेगा, आप कितने लाख दे रहे हैं वो निश्चय नहीं करेगा। तो दान द्वारा भी आपका मन, आपका धन पवित्र हो सकता है। यज्ञ दान है, आप समझो, आपके पास जो संपत्ति है उनका दूसरे के साथ आप देते हैं, संपत्ति दान करते हैं, उसको दान कहते हैं। कर्म में यज्ञ है, सर्व कल्याण के लिए आप कर्म करो, तप है आपका व्यक्तित्व के अनुरूप है, वो तप है। तप आप समझो ठीक से, तप माने कि जो भोग, जो क्रिया आप करते हैं, जो क्रिया करने में कोई पाप कर्म नहीं है, फिर भी आप अपने संकल्प से, अपने बुद्धि के निश्चय से अगर आप उनका त्याग करते हैं तो उसको तपश्चर्या कहते हैं। दो बार भोजन करने में कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर आप निर्णय कर लेते हैं मैं एक बार ही अन्न ग्रहण करूंगा तो ये तपश्चर्या। बोलने में कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर आप निर्णय करते हैं मैं मौन धारण करूंगा तो वो तपश्चर्या। माने कि जो कर्म, जो भोग, जो क्रिया करने में कोई पाप नहीं है, लेकिन आपके संकल्प से आप उनका त्याग करते हैं तो उनको तपश्चर्या कहते हैं। विहित भोग का जो त्याग है उनको तपश्चर्या। और भगवान कहते हैं ये तीन कर्म द्वारा ही हम हमारे मन को पवित्र बना सकते हैं। यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणा, यज्ञ दान तप न त्याज्य कार्यमेव तत्। भगवान कहते हैं आपके जीवन में ये तीन अवश्य होना चाहिए। आप यज्ञ करो, आप दान करो, आप तपश्चर्या करो। तपश्चर्या आपके व्यक्तित्व पर है, दान आपकी संपत्ति से है, और यज्ञ आपके कर्म है। मानिए आपके कर्म, आपकी संपत्ति और आपका व्यक्तित्व। अब देखो बहुत सुंदर है, तीनों में अगर आप तपश्चर्या है, तीनों में अगर त्याग है,
मानी कि यज्ञ में भी त्याग है क्योंकि आहुति दे रहे हैं, दान में भी त्याग है और तपश्चर्या में भी विहित भोग का त्याग है। त्यागत शांति ही अनंतरम, शंकर भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन त्याग से ही शांति है, फिर वो यज्ञ कर्म हो या दान कर्म हो या तपश्चर्या कर्म हो, तीनों कर्म में त्याग है। और भगवान कहते हैं त्यागत शांति अनंतरम, अंतर नहीं शीघ्र तत्काल, अंतर मानी बाद में, अनंतर मानी उसमें कोई समय की आवश्यकता नहीं। और इसलिए हमारे मन का जो निर्माण है वो मन का निर्माण हमें करना पड़ेगा। जब तक हमारी मन का, हमारे मन का निर्माण नहीं होता है तो ये ध्येय एक गोचरत्वम जिसको निधिध्यासन कहते हैं वो संभव नहीं है। और इसलिए कहते हैं निवात दीपवत, हमारा मन इतना शांत हो गया है, इतना प्रसन्न है, इतना पवित्र है कि वृत्ति की प्रवाह है, वृत्ति प्रवाहित हो रही है लेकिन कोई विक्षेप नहीं है, न ध्याता पर हमारा ध्यान है, न ध्यान की क्रिया पर हमारा ध्यान है, हमारा ध्यान मात्र ध्येय पर है। अब देख इसीलिए रासलीला में भी जब गोपियों की वृत्ति अपने आप पर आ गई, ध्याता पर आ गई, श्री कृष्ण वहां से अदृश्य हो, और जब वापस वो श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे भगवान वहां प्रकट हो गए। ध्येय एक गोचरण, एक ध्येय की और ही हमारी वृत्ति प्रवाहित हो रही है और कहीं पर वृत्ति नहीं जा रही है। और इसके लिए भगवान छठे अध्याय में अनेक प्रकार से चर्चा करते हैं। संकल्प प्रभवान, ये संकल्प छोड़ दो, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, छोड़ दो आप सब, अन्य का चिंतन नहीं करना है। हमारा मन अन्य के चिंतन में इतना प्रवृत्त रहता है कि आत्म चिंतन के लिए कोई अवकाश ही नहीं मिलता है। और इसलिए छोड़ो, गुण का भी चिंतन नहीं करना है, दोष का भी चिंतन नहीं करना। महाभारत में व्यास जी कहते हैं गुण करना ही दोष, वही गुण है। और इसी विद्यान मुनि कहते हैं निवात दीपवत, ये एक गोचरत्वम, एक ध्येय में हमारी बुद्धि प्रवृत्त हो गई है और कहीं पर नहीं जा रही है। समाधि ही अभिधीयते, उसी को है सम्यक आधीयते अस्मि। हरि ओम। समाधि ही अभिधीयते, इस प्रकार से जब हमारे मन की स्वरूप आत्मा में एक प्रवृत्त हो रही है उसी को समाधि कहते हैं। और वही समाधि है जो हमें अन्य सर्व जो विपरीत भावना है, कल जो हमने देखा जो हमारे मन में, समाधि जो निधि ध्यासन को ही विद्यारण्य मुनि कहते हैं, ये निधि ध्यासन को ही समाधि ही, तो समाधि